अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड आप देख रहे हैं ई टिप्स। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप AKU आगा खान यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन 10 डेज़ में कैसे कर सकते हैं। नो डाउट कि आप 10 दिन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को गेज कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन की हुई है वो कितने परसेंट है। पास पेपर्स पड़े हुए हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपरली फील लाइक होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितने परसेंट हो गई है। आप अपने आप को गेज कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये कुछ मेथड है, मैं शेयर कर रहा हूँ, काइंडली देख लीजिएगा, आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले बायोलॉजी को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने अंदर से टॉपिक सेलेक्ट किए, 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और 3 टॉपिक्स के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसी तरह हर बुक के अंदर आपको टॉपिक्स में और टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। मीन आप सब टॉपिक्स के भी जाकर MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि पास्ट MCQs हैं, ठीक है। हर बुक के अवेलेबल हो जाएंगे ये MCQs, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप इनको करना चाहें। आपको 200 MCQs करने की लिमिट होती है, क्योंकि आपने 200 MCQs करने होते हैं अपने टेस्ट में जाकर, ठीक है। और वो 200 MCQs जब आप अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद आपका प्रॉपरली रिज़ल्ट भी शो होता है। जस्ट लाइक डैट कि मैंने 2 MCQs अटेम्प्ट किए और ये मैं रिज़ल्ट शो करूँगा, ये प्रॉपरली मुझे बताएगा कि आपने मतलब कि कितने MCQs किए हैं, सही किए हैं, कितने आपने गलत MCQs किए हैं, ठीक है, कितने आपने रॉन्ग किए, ये प्रॉपरली आपको बताएगा, ठीक है। इसी तरह हर बुक का आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं।